कि इस देश के जो शासक रहे मूल निवासी और आने वाले शासकों के साथ इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं वो कतई बर्दाश्त और सहन नहीं होगी। जब भी हम दोबारा से शासक बनेंगे तो इन लोगों को उनके औकात दिखाएंगे, संगठित भी होगा और हम निश्चित तौर पर इस देश के शासक थे और आगे भी बनेंगे। ये इसलिए हो रहा है कि जो सदियों से प्रताड़ना मिल रही है उसके खिलाफ हम संगठित हों। गुजरात तो देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, केवल चंद मुट्ठी भर लोगों का विकास करने से पूरे प्रदेश का विकास मैं नहीं मानता। इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी जाति हम छिपाएंगे तो फिर कैसे हम अपना अस्तित्व बना पाएंगे। देखिए एक बहुत अच्छी पहल है और इससे कुछ मैसेज लेके समाज जाए आज, जिसको आगे जो जरूरत है आज संगठित होने की, जो बाबा साहब ने मैसेज दिया था। तो शिक्षित तो हम हो रहे हैं लगातार, संगठन में आप लोगों ने महसूस किया, हमें महसूस करते हैं संगठित होने में काफ़ी कमियां हैं अभी, तो जो कमी है उसको दुरुस्त करने का एक अवसर है यहाँ जी। तो क्या लग रहा है संगठित हो रही है जाति? देखिए इस तरह के प्रयास भविष्य में भी होंगे तो निश्चित तौर पर संगठित होगी और मजबूती मिलेगी समाज को। नहीं सर, ये जो जाति है पूरे देश में सबसे कमजोर मानी जाती है, दबी कुछ नहीं मानी जाती है, शोषण का शिकार भी ज्यादा यही हो रही है देश में। देखिए आपने सुना होगा इस समाज से एक चीज निकल के आती है कि हम इस देश के शासक थे, कुछ कमियां रही उसके लिए हम दोषी, मैं खुद भी हूँ और पूरे समाज में कहीं कमियां रही हैं, तो अब थे को हटाना पड़ेगा हमें, फिर से ये हर जगह लिखना पड़ेगा, हमें महसूस करना होगा कि हम इस देश के शासक हैं और आगे होंगे। इस प्रण के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि हम दोबारा से इस देश के शासक बनेंगे, जब जाके समाज संगठित भी होगा और हम निश्चित तौर पर इस देश के शासक थे और आगे भी बनेंगे। लेकिन सर समाज में जो अत्याचार होता है जाति के नाम पर वो तो अभी भी जारी है। देखिए अत्याचार की जहाँ तक बात है, कुछ रूढ़िवादी और जो अपने आप में जो मनुवादी के साथ साथ दूसरा मैं कहूँ सामंती सोच के जो लोग हैं, जब जब गरीब आदमी ऊपर उठता है तो उनको हजम नहीं होता, पेट में मरोड़े उठते हैं, तो वो जुल्म ज्यादती करते हैं। उसके लिए जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है, जो जागरूक समाज है, वो संगठित हो भी रहा है और कई जगह आपने देखा होगा हम लोगों ने उसका जबरदस्त तरीके से विरोध भी किया है और आगे भी ये जारी रहेगा इस तरह से। कुछ लोग कहते हैं कि जातियों को तोड़ना चाहिए, जाति खत्म होनी चाहिए, लेकिन आप जैसे लोग कह रहे हैं कि चमारों को मजबूत करो जाति के आधार पर, आप जातियों को मजबूत कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग जो कह रहे हैं जाति तोड़नी चाहिए, वो ये जातियाँ एक्चुअल में बनाने वाले वही लोग हैं। जब उनको ये लगने लगा कि तुम्हारे जातीय सिस्टम को आज खतरा है तो वो इस तरह की बात लेके सामने आ रहे हैं। मोहन भागवत की बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, जब जाति प्रथा का जो भारत में चलन स्टार्ट किया तो ये संघ के लोगों की देन है। आज वही लोग कह रहे हैं, उन्हें लगने लगा कि अब तुम्हारा जो आगे का ढांचा है वो खत्म हो रहा है और ये लोग अब जागरूक हो रहे हैं, तो ये बात वो लोग बोलने लगे बीच में आके। लेकिन जाति के आधार पर शहरों में भी शोषण है। एक मोची ने वर्मा लिखा जी, वो वकील आए ओबीसी थे, वो उनने कहा वर्मा हटाओ, चमार लिखो नाम के पीछे, आप हमारा नाम क्यों लेते हो, हमारा सरनेम क्यों लेते हो आप? देखिए वर्मा बीसी जो बैकवर्ड की आप बात कर रहे हैं उनके कहीं रजिस्टर्ड नहीं कि वही वर्मा लिखेंगे, सिर्फ वर्मा कोई भी लिख सकता है इस देश में, जो हाथ का कारीगर है वो वर्मा लिखते हैं। तो जाति की लड़ाई चल रही है देश में? जाति की लड़ाई क्या आज ही थोड़ी चल रही है, ये तो जब से भारत का मेरे ख्याल अस्तित्व हुआ जब से जाति की लड़ाई चल रही है इस देश में। जैसे जैसे देश में जाति के नाम पर अधिवेशन हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, इससे तो जातियाँ और मजबूत होंगी, देश में जातिवाद फैलेगा इससे तो। देखिए जातिवाद फैलाने के जो जिम्मेवार लोग हैं वो दूसरे लोग हैं, हम जो आज यहाँ ये सम्मेलन हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि जो सदियों से प्रताड़ना मिल रही है उसके खिलाफ हम संगठित हों, उसके खिलाफ एकत्रित होकर हम लड़ाई लड़ें। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि जाति का विनाश करो, जातियाँ खत्म करो, आप जातियों को मजबूत कर रहे हो, खाद पानी लगा हम जातियों को मजबूत नहीं करें, जातियाँ जो मजबूत कर दी गई हैं उनके खिलाफ हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, जो इस देश के सिस्टम ने जातियों को मजबूत किया है हम उनके खिलाफ मजबूत कर रहे हैं समाज को, किसको तोड़ने के लिए, क्योंकि जब बराबर की हम मजबूती के साथ आएंगे तभी तो ये सिस्टम तहस नहस होगा इनका। जाति जो है, ये जो चमार जो जाति है, ये गाली के तौर पर भी यूज करी जाती है कथित जातिवादी गुंडों के द्वारा, वो जाति सूचक शब्द आपसे पुकार देते हैं तो आप उनके खिलाफ FIR दर्ज कर देते हो। देखिए जब कोई हमारी जाति का नाम लेता है तो हमें तो गर्व महसूस होता है, लेकिन जो ये सोचते हैं गाली के रूप में देते हैं, बड़ी अच्छी बात हमें जब हमारा अपना नाम दे रहे हैं, रही बात उनकी मंशा क्या है, इस दुनिया की सबसे बड़ी जाति है चमार, दुनिया के हर कोने में जो भी देश है वहाँ चमार जरूर मिलेगा आपको, उसके बावजूद ये हीन भावना भर दी गई कि ये कोई गाली है,
गाली नहीं है, हमारे गर्व का विषय है, हमने अपनी गाड़ियों पे लिखा हुआ है, घर पे लिखा हुआ है, हर जगह लिखते हैं हम अपने। लेकिन जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में गए जाति को लेकर के, वो उन्हें कामयाबी नहीं मिली, वो एक्टर नहीं बन पाए, वो प्रोड्यूसर तो बन गए, उनको सफलता नहीं मिली है। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे एक्टर चमार हैं, आप उठा के देखिए क्या कहाँ कामयाबी मिली सर। आप अजय देवगन का कामयाब नहीं है, बहुत कामयाब एक्टर हैं और भी बहुत सारे हैं जो उन्होंने। तो जाति पीछा क्यों नहीं छोड़ती है लोगों का? देखिए सिस्टम है यहाँ समाज का, जातीय हिसाब से समाज का निर्माण कर दिया गया है, तो इस वजह से जाति हम पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। गुजरात को लोग गर्व करते हैं, गुजरात को विकास मॉडल कहा जाता है, लेकिन गुजरात में जो दलित लोग हैं, ऐसी लोग हैं, उनको मुंह सकने की आज़ादी नहीं है, वो घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं। गुजरात को विकास का मॉडल सिर्फ वही लोग कहते हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं, जिन्होंने एक, आपको ध्यान होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति आए थे तो जहाँ गरीब लोग थे वहाँ टीन खड़ी करवा दी थी कि ये गुजरात का जो मॉडल इन्होंने जो ढिंडोरा पेट रखा है, उस चीज़ से दूसरी दुनिया के लोग जागरूक ना हो सकें, उसके बारे में जानकारी ना ले सकें, तो वही लोग कहते हैं गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। गुजरात तो देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, केवल चंद मुट्ठी भर लोगों का विकास करने से पूरे प्रदेश का विकास मैं नहीं मानता इस तरह का। सर आपने भी कोई जातिवाद झेला जिंदगी में, आपने अब तक की लाइफ में? देखिए जातिवाद तो कदम कदम पर झेलते हैं जब ऐसा इस देश में सिस्टम है, लेकिन हम झेलने के साथ साथ बड़ी मजबूती से उसके लिए मजबूत कर रहे हैं अपने आप को, लड़ाई लड़ने के लिए, मतलब ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है, जो हम झेल रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने झेला है, वो आने वाले बच्चे ना झेलें। जो सरकार में चले गए, जो सरकारी अधिकारी बन गए एससी एसटी लोग, वो तो जाति छिपा लेते हैं अपनी। ऐसा नहीं है, क्या इक्का दुक्का परसेंट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बड़े गर्व से लिखते हैं लोग, कहते हैं कि मैं सरकारी अफसर बन गए, मुलाजिम बन गए हैं जी, वो भी छुपाते हैं अपनी जाति, चमार नहीं लिखते। ऐसा नहीं है सर, बहुत सारे लोग लिखते हैं आज, बताते हैं कहीं नई जगह जाके बताते हैं भाई मैं चमार हूँ, तो ऐसा नहीं आज कि हमारे अफसर, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे राजनेता कोई छिपा रहा हो, लेकिन सब बड़े गर्व से कहते हैं यार देखिए दुनिया की सबसे बड़ी जाति, दुनिया की सबसे बड़ी जाति, हम छिपाएंगे तो फिर कैसे हम अपना अस्तित्व बना पाएंगे। दलित जो बड़े मंत्री हुए हैं, राष्ट्रपति हुए, वह मंत्री जैसे कि आपकी, देखिए सर सैलजा उनको मंत्री में नहीं घुसने दिया था जाति की वजह से, तो मैं तो बहन जी से मैंने बोला ये बात सर आम कि बहन जी आपको मंदिरों में जाना ही नहीं चाहिए। हमारा मंदिरों में क्या है, जो मंदिरों वाले लोग हैं वो हमारे गुरु रविदास जी के साहब, कबीर साहब के, वाल्मीकि जी महाराज के मंदिरों में आते हैं क्या, कभी फोटो खिंचवाने आ जाएंगे क्या, उन्होंने कभी दिल से माथा टेका है? हमें भी नहीं जाना चाहिए मंदिरों में। जाति मरने के बाद में पीछा नहीं छोड़ रही है देश में लोगों का? सर जाति पीछा इसलिए नहीं छोड़ रही कि हमारा सिस्टम ऐसा बना दिया गया है। अब ये आपके कैमरे हैं, इसकी कंपनी है कोई, तो कंपनी के लोगों के बगैर तो वो तो चलेगा साथ जब तक इसका अस्तित्व है। कौन सा गांव है सर आपका? तो नरवाना प्रॉपर शहर है सर, वहाँ पे आपके जो जिंद है, जिंद में जो आपका गांव है वहाँ आपके शमशान अलग है जातियों के हिसाब से? नहीं इकट्ठे इकट्ठे हैं। सच्ची बात है? हाँ बिल्कुल। अच्छा एक घटना हुई थी राजस्थान में, वो इंद्र मेघवाल के जो बच्चे ने पानी पिया था क्लास में, सरकारी जो वो रहती है वहाँ मटका, उसकी मृत्यु। देखिए ऐसे सामंतवादी सोच के जो ये द्रोणाचार्य मैं कहूँगा इनको कि ये द्रोणा समय समय पर पैदा होते रहते हैं और भारत के लिए कलंक हैं ऐसे लोग, कि इस देश के जो शासक रहे मूल निवासी और आने वाले शासकों के साथ इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं वो कतई बर्दाश्त और सहन नहीं होगी। जब भी हम दोबारा से शासक बनेंगे तो इन लोगों को उनके औकात दिखाएंगे जरूर। सरकार क्या कुछ प्रयास कर रही है जातिवाद को खत्म करने के लिए? मुझे ऐसा है मौजूदा सरकार से कोई उम्मीद नहीं लग रही, आने वाली कोई सरकार हो सकता है कोई अच्छा कदम उठाए, लेकिन अभी तक तो रूढ़िवादी उसी तरीके से चल रही है और ये सरकार भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है क्योंकि इस तरह की मानसिकता के लोगों को कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट कर रही है सरकार। कई उदाहरण आप देख